तो चलो सबको समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जब तुम पैदा होगे तब तुम्हें घंटा ना पता चलेगा कि तुम अमीर खानदान में पैदा हुए हो या गरीब खानदान में पैदा हुए हो। तुमने सबसे पहले किसकी शक्ल देखी है, तुम सबसे पहले किसकी गोदी में लाए गए हो। और जब तुम थोड़े से बड़े होगे, मान लो 1-2 साल के, तब तुम्हें पता रहेगा कि तुम्हें सबसे ज्यादा किससे प्यार है, तुम्हें लगेगा कि तुम्हें सबसे ज्यादा किससे प्यार है। लेकिन जब तुम थोड़े और बड़े होगे तो तुम्हें पता लगेगा, अरे नहीं यार, मैं तो इनके ज्यादा क्लोज हूँ सबसे। ठीक है, ये सिर्फ थोड़े से और बड़े होने की बात कर रही हूँ मैं। उसके बाद अगर तुम्हारे घर के जो बड़े बूढ़े हैं वो समझदार होंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सबसे ज्यादा स्ट्रगल मेरे घर में आखिर कर कौन रहा है, वो सबसे ज्यादा सुन कौन रहा है, मम्मी या पापा। अगर तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मी का सपोर्ट किया हर चीज में और बचपन से लेकर बड़े हुए होने तक तुमने ये देखा, तो तुम्हारा परिवार एकदम बढ़िया, हैप्पी, सुख शांति से भरा रहेगा। आएंगे छोटी छोटी चीजें, लेकिन समझदारी से, अगर बड़े समझदार होंगे तो सबको सॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद जब तुम थोड़े बड़े होते हो और जब तुम स्कूल जाते हो तो तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारा आखिर सगा है कौन। सगा इन द सेंस, जब तुम स्कूल जाते हो थोड़े और बड़े होते हो तब तुम्हें पता चलेगा, तब तुम्हें सब कुछ अच्छा लगेगा। वाओ, इतने सारे फ्रेंड्स, वाओ लंच बॉक्स, इतने सारे खाना, इतनी सारी शेयरिंग हो रही है, इतनी हेल्प कर रहा है हर कोई, टीचर्स इतने प्यारे हैं। उसके बाद जब तुम थोड़े और बड़े होगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है स्कूल टाइम में। वो टीचर भी हो सकते हैं, वो तुम्हारे दोस्त भी हो सकते हैं, वो तुम्हारे दुश्मन भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, इवन वो तुम्हारे पापा भी हो सकते हैं, मम्मी पापा। तुम जाओगे 8th क्लास तक, 8th से लेकर 12th क्लास तक, तुम बहुत ज़्यादा बिखरने वाले हो, टूटने वाले हो, बहुत ज़्यादा कुछ बुरा होने वाला है। मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करो कि मैं सबके लिए बोलूँगी कि मैं चाहती हूँ कि तुम सबके लिए अच्छा हो। मैं चाहती हूँ, लेकिन ऐसा बोलूँगी नहीं ना, क्योंकि ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। ठीक है, हर किसी के साथ ऐसे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर होता तो उसको यही लगता, कहते ना कि जिसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा होता है उसको ये लगता है वाओ मेरे साथ कितना अच्छा हो रहा है, उसके खुशियों की नज़र फिर उसको लग जाते, फिर उसके साथ बुरा होता है। इसलिए न्यूट्रल रहने को कहती हूँ मैं, बस कि न्यूट्रल रहो। लेकिन तुम्हारे साथ 8th से लेकर 12th क्लास तक इतना ज़्यादा बुरा होगा, तुम इतना गिरोगे टूटोगे, वो भले ही फ्रेंडशिप हो, वो भले ही स्टडी हो, वो भले ही तुम्हारे घर का माहौल हो या कुछ भी हो, लेकिन मैं अभी भी कह रही हूँ जहाँ पे अगर बड़े बूढ़े होते हैं घर में, वो जिंदा रहते हो, वो समझदार होते हैं ना, तो तुम्हारे घर का जो एनवायरमेंट है वो सबसे बेहतरीन होगा, सबसे ज़्यादा बेहतरीन, क्योंकि वो घर की अभी तुम्हारी नींव है, तुम्हारे मम्मी पापा के पहले। उनके जाने के बाद तो तुम्हारे मम्मी पापा हैं, लेकिन अगर तुमने इस चीज़ का ध्यान रखा कि तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को फुल सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनके आगे खड़े हैं हर चीज़ में, और तुम्हारे पापा और मम्मी दोनों बराबर एक दूसरे को मानते हैं, तो ऐसा है कि घर का अगर इन्वायरमेंट तुम्हें अच्छा मिल जाएगा ना, तो तुम आराम से सब कर लोगे, क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत सबसे पहले ना घर से होती है। तो चलो ठीक है, उसके बाद स्कूल की बात हो गई, उसके बाद करते चलो कॉलेज की बात। कॉलेज में तुम जाओगे, जो भी तुम कॉलेज करोगे, बीटेक करोगे या डिज़ाइनिंग करोगे या डॉक्टरिंग वाला चीज़ करोगे, तुम्हें कॉलेज में पता चलेगा कि साला ये दुनिया ही मादरचोद है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा पता चलेगा तुम्हें कॉलेज में। और वो टीचर से नहीं पता चलेगा, टीचर्स तो उनकी तो जॉब है आके पढ़ाना, उनको बाकी किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि टीचर्स को पता है सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स जो चलती है वो कॉलेज में चलती है, इसलिए वो वैसे ही दूर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको उनकी नौकरी प्यारी होती है। लेकिन जहाँ पे बच्चे इतनी फीस भर रहे होते हैं फिर भी वो एक दूसरे की ज़िंदगी में दखलंदाजी करते हैं, बर्बाद करने में लगे रहते हैं, कॉलेज के जो बच्चे होते हैं उनको, उनका ऐसा है कि उनका तो वैसे बाद में जाके बुरा असर होता है, सिंपल सी बात है, उनको बाद में रियलाइजेशन होता है जो लोग बुरे लोगों को सताते हैं। लेकिन तुम्हें कॉलेज में पता चलेगा कि दुनिया सच में मादरचोद है और हम अकेले ठीक है, लेकिन ये तुम्हें फर्स्ट ईयर में पता नहीं चलेगा। कॉलेज के टाइम पे तुमको, मैं बुली का नहीं बोलूंगी कि कितना बुली किया जाता है कितना नहीं किया जाता, लेकिन सिर्फ बुली करना वही एक दिन नहीं होता जिस दिन बुली किया जाता है, तुम्हें हर साल वो 3-4 साल या 6 साल या 5 साल हर दिन बुली किया जाएगा। और बुली सिर्फ उससे ही नहीं होता कि तुम्हें कुछ करवा रहे हैं, बुली मेंटली भी होता है। ठीक है, और जब मेंटली होता है ना तो तुम्हारी जो भी तुम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो ना वो तो खराब होनी होनी है, तो तुम्हें इससे बच के रहना है। वो बच के कैसे रहना वो बाद में डिस्कस करते हैं। तो तुम्हारे कॉलेज के पहले ईयर में तुम्हारे इतने सारे दोस्त होंगे ना कि तुम्हें लगेगा कि यार मम्मी पापा मस्त रहो ना, मैं मस्त कॉलेज में पढ़ाई करो, मस्त दोस्त हैं, मस्त घूम रहे फिर रहे, ये सब चीज़ें होंगी। उसके बाद तुम टूटोगे कॉलेज के फाइनल फर्स्ट ईयर एग्जाम्स में बहुत, इसलिए नहीं कि तुम पास हो गया फेल हो गए, मैं तो चाहती हूँ तुम सब पास हो जाओ, ऑब्वियसली होंगे, कॉलेज तो अपनी रेपुटेशन बनाए रखने के लिए फर्स्ट ईयर में तो वैसे पास कर देता है, तो तुम सेकेंड ईयर में जाओगे। उसके बाद फिर तुम्हारे थोड़े से कम दोस्त होंगे, फिर तुम्हें पता चलेगा कि यार ठीक है यही काफ़ी है, लेकिन वो जो 10 में से जो पहले ईयर में तुम्हारे 10 दोस्त होंगे, वो जो दूसरे ईयर में तुम्हारे 8 या 5 दोस्त बचे होंगे, वो 5 दोस्त ही तुम काफ़ी समझोगे कि अरे यही है मेरे जिगरी यार, बढ़िया बढ़िया, और फिर तुम
और फिर क्या होता है, अच्छे लोगों की ये जो होती है चीज़, वो क्या होती है, हेल्प करना, बहुत ज़्यादा हेल्प करना दूसरों की, कि ठीक है भाई मैं तेरा प्रोजेक्ट कर दूंगा या मैं तेरी हेल्प कर दूंगा, ठीक है चल मिल के साथ में गप्पे लड़ाते हैं या दारू पीते हैं या सिगरेट पीते हैं या कुछ भी करते हैं। उसके बाद तुम लिख के ले लो कि तुम्हारी दोस्ती पैसा देख के हुई थी। मैंने बोली कि तुम गरीब होंगे तो तुम्हारे दोस्त नहीं होंगे, लेकिन वो जो एक सच्चा दोस्त होगा ना जो आखिरी में फोर्थ ईयर में बचेगा, वही तुम्हारा सच्चा दोस्त होगा, लेकिन बाकी दोस्ती तुम्हारी पैसों वाली होगी। तुम लिख के ले लो ये अभी, ठीक है। उसके बाद है ना तुम्हारा आएगा, तुमने चलो पास कर लिया सेकंड ईयर, उसके बाद आएगा तुम्हारा थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में तुम कुत्तों वाला रोगे, कुत्तों वाला तुम्हारा हार्ट ब्रेक होगा, कुत्तों वाले तुम्हारा ऐसा होगा कि तुम डिप्रेशन में जाने वाली कंडीशन में होगे। क्या तुम, क्या पता तुम सेकंड ईयर में हो जाओ, लेकिन तुम थर्ड ईयर में बहुत ज़्यादा होगे डिप्रेशन में जाने वाली में, तुम्हें पैनिक अटैक्स आएंगे। तुम भले लड़के हो या लड़की हो, जो भी सुन रहे हो, ये सच है, बिल्कुल सच है। तुम कहते हैं ना कि घर पे होते तो रात को नींद आ जाती, नहीं वहाँ पे नहीं आएगी। वहाँ पे तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि तुम अगर सोओगे भी नहीं ना, और तुम बिना सोए सुबह कॉलेज जाओगे ना, तो भी तुम फ्रेश फील करोगे। कभी तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, ठीक है। तुम्हें सिर्फ इसलिए नींद नहीं आएगी कि पढ़ाई है या माँ बाप का पैसा लग रहा है ये सब, कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं। तुम्हें ये सब फील होगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि फैंसू मैंने ऐसा किया क्या है जो ये सब मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। तुम बहुत बुरी तरह से टूटोगे। वो एक स्टेप फिर तुम चढ़ोगे अपने स्ट्रांग होने की, वो एक स्टेप, लेकिन सिर्फ एक। उसके बाद तुम थोड़ा मान लो लास्ट में पढ़ाई में फोकस कर रहे हो, तो सब लोग ये बातें करेंगे कि साला जो बच्चा था हमारा, जो दोस्त था जो इतना ज़्यादा हेल्पिंग करने वाला था और हम इसका इतना बुरा चाह रहे थे, इसके अच्छे मार्क्स कैसे आ गए, इसने कैसे एग्जाम पास कर लिया। लोग तुमसे जलेंगे बहुत बुरी तरीके से, वो इतना ज़्यादा गिराने की कोशिश करेंगे ना, इतना ज़्यादा कि मतलब ऐसा कि तुम्हारा बहुत बुरा हशर करने की सोचेंगे। पर तुम्हें, तुम्हारे जैसे लोगों के ऊपर ना भगवान का हाथ होता है, वो तुम्हें नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक। उसके बाद आ गया भाई फोर्थ ईयर। 4 साल की मेरी पढ़ाई थी, 4 साल तक पता है, क्योंकि 5वां साल तो 72 से 72 होगा फिर, ठीक है। तो फोर्थ ईयर है, फोर्थ ईयर में तुम्हें पता चलेगा कि भैंचो वो जो एक जिगरी यार था ना, जिसको मैं समझ रही थी या समझ रहा था मेरा अच्छा यार है, वो भी दोगला निकला। मतलब मैं सेकंड आया, वो फर्स्ट आया, या फिर मतलब ऐसा कि तुम्हारा पढ़ाई में भी कंपटीशन चलने लग जाएगा, और पढ़ाई की कंपटीशन और जो पैसे की कंपटीशन होती है ना, वो सबसे ज़्यादा रिश्तों को ख़राब करती है। अगर ये ज्ञान, ये जो होती है ना एजुकेशन, बीच में आ जाती है दो दोस्तों के बीच, कंपटीशन और जो पैसा बीच में आ जाता है, ये रिश्तों को बर्बाद कर देता है, दिमाग होता है ये, ठीक है। फिर तुम्हें पता चलेगा कि नहीं, जो ये तो नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम बहुत ज़्यादा गिरोगे, तुम बहुत बुरी कंडीशन में जाने वाले हो। मैं अभी वैसे तुम लोगों को बता रही हूँ, मैं तुमको डरा नहीं रही हूँ, ये सच है। तुम्हारा अगर रूममेट ही तुम्हारा क्लासमेट होएगा तो ये तो और भी ज़्यादा घटिया चीज़ है, क्योंकि वो तुम्हारा रूममेट से तुम्हारे रूम तक है, वो सबसे बड़ा क्रिटिक, सबसे बड़ा दुश्मन होगा तुम्हारा क्लासमेट में, तुम्हारी क्लास में, ठीक है। वो इतना कुत्ता निकलेगा ना तुम्हें, मतलब ऐसा होगा सब चीज़ें तुम्हारे बीच कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा बहन जो ये ऐसा निकल जाएगा या ये ऐसे निकल जाएगी। और जो लड़कियां गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती हैं उनकी तो मैं बात क्या ही करूँ, मैं भी गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी हुई हूँ। जो जो चीज़ें होती हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस कॉलेज का नाम मत पूछना, क्योंकि मैं बताऊँगी और मैं नहीं चाहती कि वहाँ पर तुम लोग जाओ, जो भी लड़कियाँ हैं, और अगर मैं बताऊँगी भी तो फिर मेरा मुँह बहुत ही अच्छे से खुलेगा। और इसमें कॉलेज की थोड़ी सी गलती मैं मानूंगी, लेकिन और चीज़ों की गलतियाँ मैं ज़्यादा मानूंगी, वो चलो बाद में डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर जब तुम कॉलेज से निकलोगे तो तुम अकेले निकलोगे। कहते हैं ना इंसान मरता भी, दुनिया में आता भी अकेला, दुनिया से जाता भी अकेला। कॉलेज में तुम अकेले गए, कॉलेज से निकलोगे भी तुम अकेले ही। तुम्हारा विश्वास वहीं पर ही सबसे पहले उठ जाएगा। जो तुम गाली बकना भी वहीं से सीखोगे, तुम स्ट्रांग बन के निकलना, स्ट्रांग कैसे बनते हैं, विश्वास कैसे नहीं करते हैं इस बच्चों दुनिया में, और क्या सच है क्या झूठ है, फेस रीडिंग और कैरेक्टर जो रीडिंग होती है, ये सब चीज़ें तुम वहीं से सीखोगे। मतलब ऐसा कि तुम प्रो हो जाओगे। जब इंसान घर से बाहर निकलता है तभी वो सीखता है ना, तुम भी ऐसे ही करने वाले हो भाई, ठीक है। तुम घर पे आके बहुत ज़्यादा तुम्हें रियलाइजेशन होने वाला है, पहले तो इस चीज़ का कि भैंचो, सबसे पहली चीज़ कि मेरे निकल गए 4 साल जैसे तैसे, और मैंने अच्छी डिग्री लेके और मैंने अच्छे मार्क्स से उसको पास किया है, ये तुम्हारी पहली खुशी होगी। तुम्हारा दूसरा दुख होगा कि
दुख नहीं बोलूंगी लेकिन मैं तुम्हें रिग्रेट जैसा, रिग्रेट भी चलो मैं नहीं बोलती क्योंकि तुमने कुछ ऐसा बुरा किया नहीं होगा, वैसे तो ताली दोनों हाथ से बजती, तुम्हारी कमी गलती होगी और वो गलती भी वो अच्छाई होगी तुम्हारी जो जिसका दूसरे ने फायदा उठाया। उसके बाद फिर तुम्हारा ये रियलाइजेशन होगा कि पीछे मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया है, और मैं सच बताऊं कि तुमने जो छोड़ा है वो सही छोड़ा है एकदम, क्योंकि यूं मान लो कि तुम जो भी करते हो ना उसमें तुम्हारा कंट्रोल होता ही नहीं है, तुम सोचते हो कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरा कंट्रोल है, मैं ये उखाड़ सकता हूँ, नहीं तुम्हारा कंट्रोल होता ही नहीं है जो तुम करते हो, सब ऊपर वाला ही करता है। मैं तो ना भगवान में बहुत मानती हूँ भाई, बहुत ज़्यादा, मैं बहुत स्पिरिचुअल इंसान हूँ, मैं भगवान में मानती हूँ, मैं मेडिटेट नहीं करती क्योंकि मैं ओवर थिंकर हूँ और ओवर थिंकर लोग ना उनसे मेडिटेशन नहीं होता है, उनकी आंखें बंद करते सता थॉट्स दिमाग में चलने लग जाते। कर्मा इज अ बिच भेंचुर, तुम ये सोच रहे हो ना कि उन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया तो अब मुझे भी रिवेंज लेना है, नहीं तुम रिवेंज लो लेकिन पॉजिटिव वे में, और रिवेंज में ऐसा होना चाहिए कि अब तुम साइलेंस जो बहुत बड़ा जवाब होता है, साइलेंस तुम्हें स्ट्रांग बनाता है, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर अगर तुम देखते होंगे, भीमराव अम्बेडकर जी ये कहते हैं कि तुम्हारा सबसे बड़ा जो हथियार है ना वो तुम्हारा साइलेंस है, वो तुम्हारी साइलेंस तुम्हें तुम्हारी सफलता भी दुनिया को दिखाएगी और ये भी दिखाएगी कि तुम साइलेंस से इतने स्ट्रांग बने हो, चुप रह के बिल्कुल तुम कुछ नहीं करोगे, और बाकी तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये तो लो हमको पता ही है, ठीक है। लेकिन जिसने भी तुम्हारे साथ भत्त से भत्तर चीज़ें करी ना उसके साथ ज़रूर बुरा होगा, बहुत ज़्यादा बुरा होगा, ठीक है, मतलब तुम सोच भी नहीं सकते, भले ही फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, रिलेशनशिप में हो या कुछ भी हो, उसका बहुत ज़्यादा बुरा होगा, और फिर तुम क्या दुनिया देखेगी, उसके आसपास के लोगों का भी बहुत बुरा होगा, और उस दिन पता क्या होगा, तुम खुश नहीं होगे, तुमको एक तसल्ली मिलेगी कि हाँ यार मुझे जो सताएगा उसके साथ बुरा होगा, इसलिए तुम फिर खुद ही कदम कदम संभाल के चलोगे, क्योंकि तुम्हारा दिल ऐसा है कि तुम चाहती नहीं हो कि सामने वाले का बुरा हो, लेकिन उसका ज़रूर होगा क्योंकि उसने तुम्हें रुलाया है, सताया है, ठीक है। उसके बाद जब तुम नौकरी करोगे, बेंच सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि कलीग को दोस्त नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो नौकरी है, वो प्रोफेशनल लाइफ है, तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग जो है वो कलीग्स को इतना अच्छा दोस्त बना लेते हो, इतना अच्छा बना लेते हो, और फिर जब तुम्हारा प्रमोशन होता है या कुछ भी तुम्हारे साथ अच्छा होता है तो क्या होता है, जलन भावना होती है। अरे बहुत कम है ऐसे, बहुत रेयर मिले होंगे जिनके कलीग्स भी आज इतने अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अंदर की बात कौन जानता है, तुम थोड़ी ना जानते हो, वही जानता है अंदर की बात, तो कि कितना मन में 1% जलन है उसके, कितना नहीं है, क्योंकि हर कोई ऑब्वियसली अपना रोटी पाने के लिए कमा रहा है, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कमा रहा है, लेकिन जहाँ पे तुमको ज़्यादा सैलरी मिली या तुमको ज़्यादा हाइक मिल गया कुछ भी हो भाई, कॉम्पिटिशन वहीं से शुरू हो, तुम बताओ या नहीं बताओ उसको इतनी सैलरी मिलती नहीं मिलती, इसलिए जब भी प्रोफेशनल लाइफ में जाओ ना, किसी को भी अपना दोस्त ज़्यादा जिगरी मत बनाओ, और लड़कियां तो खासकर, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि ये जो लड़के रील बनाते हैं ना लड़कियों की दोस्ती पे या फिर लड़कियों की एक्टिंग करके, बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि लड़कियां हैं ही ऐसी, मैं खुद लड़कियों की चीज़ बोल रही हूँ, क्योंकि मैं ऑब्वियसली गर्ल्स कॉलेज में थी और मैंने जॉब करी है, मुझे पता है कैसा सीन होता है। मत बनाओ दोस्त, लड़कियां स्पेशली मत बनाओ, क्योंकि लड़कियां इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाती है कि उनके हाथ में सबसे ज़्यादा कानून है, वो ज़िंदगी बर्बाद करके रख देती हैं, लड़की की भी उतनी भत्तर ज़िंदगी बर्बाद करती है जितनी लड़की लड़के की कर सकती है, ठीक है। इसलिए प्रोफेशनल लाइफ को प्रोफेशनल रखो, पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखो, ढिंढोरा पीटना बंद करो हर जगह कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है या क्या करने वाले हो या फिर कुछ भी जो तुम चाहते हो बताना वो मत बताओ, अपने अंदर जब तक बात रखोगे ना तुम सफल ज़रूर होगे। जहाँ पे तुमने ढिंढोरा पीटना शुरू किया ना वहाँ पे यूँ मान लो कि सामने वाले ने तुम्हारी कमज़ोरी पकड़ ली कि अरे ये तो सभी बता देता है, मतलब सामने वाला सिर्फ 5% खुश हो सकता है तुम्हारी हर चीज़ पे कि अरे वाह तो ये करने वाला, मैं तो चाहता तो सफल हो, अरे कोई नहीं चाहता कि कौन कितना सफल हो, सिर्फ एक बाप चाहता है कि उसके बच्चों से आगे निकले, माँ चाहती है उसके बच्चों से आगे निकले, बाकी दुनिया का कोई तीसरा इंसान नहीं है जो चाहता कि कोई आगे निकले सिवाय भाई बहन के, भाई बहन में भी आजकल तो कॉम्पिटिशन हो रहा है ऐसा देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, इसलिए तुम ढिंढोरा पीटना बंद करो। जैसे तुम घर से एक कदम बाहर निकलते हो ना तुम्हारा जो दिल है ना उस पर लॉक लगा लो, तुम्हारा दिमाग खोल लो एकदम पूरी तरीके से, क्योंकि तुम्हारा जो दिल है वो घर में काम कर सकता है, बाहर नहीं, बाहर काम करेगा ना तो तुम्हारे साथ फ्रॉड होगा, तुम बहुत ज़्यादा बिखर जाओगे, टूट जाओगे, बहुत धोखाधड़ी होगी, इतना ज़्यादा बुरा होगा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, लोग मर भी सकते हैं,
तुम मरना तो नहीं चाहोगे, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अगर इस दुनिया में ना 84 लाख स्पीशीज है और उस स्पीशीज में से तुम्हें मनुष्य जीवन मिला है तो बहुत सोच समझ के मिला है। तुमने जरूर अगले पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे इसलिए तुम्हें मनुष्य जीवन मिला है 84,84,000 स्पीशीज में से, ठीक है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, ढिंढोरा मत पीटना। और विश्वास, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है मेरी जान। विश्वास जहां डगमगाया, मैं सिर्फ टूटने की बात नहीं कर रही, मैं डगमगाने के, जब टूटने से एक स्टेप पहले होती है, मैं डगमगाने की बात कर रही हूँ। जहाँ विश्वास डगमगाया ना, वहाँ पे सतर्क हो जाओ बिल्कुल, क्योंकि आने वाला समय और भी भत्से भत्तर होने वाला है। कलयुग चल रहा है, सतयुग नहीं चल रहा। सोच समझ के रहो यहाँ पे। तुम्हें नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, कलयुग है ये, कल का नहीं पता तुम्हें। अरे तुम्हें तो 5 मिनट का, अगले 5 मिनट का नहीं पता क्या होने वाला है, तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे साथ ये हो, तुम्हारे साथ वही होगा जो रब चाहेगा, तुम्हारे साथ वो नहीं होगा जो तुम चाहोगे। अगर तुमने वो 1% भी चाहा होगा ना जो तुम्हारे साथ होगा, तो वो हो सकता है उस टाइम पे हो जब तुमने अपनी उम्मीदें तोड़ दी हो कि साला अब ना हो सकता, वो तभी होगा। क्योंकि जहाँ पे उम्मीदें खत्म होती है ना, जहाँ पे हौसला खत्म होता है, जहाँ पे हिम्मत खत्म होती है, जहाँ पे लगता है कि साला अब हम हार गए, वहाँ पे ईश्वर का जादू शुरू होता है। मानते हो कि नहीं? बस वही चीज़ है।